नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फेवरेट चैनल आरडीएन एंटरटेनमेंट से मैं राजू बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रिंटर दिखाने जा रहा हूँ जो कि इजी है लेकिन हार्ड भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ TVS DP 5000 प्लस की। अगर कभी आपने इसके साथ इंटरेक्शन किया होगा तो आपको पता होगा कि ये कितना बड़ा हेडेक है। जी हाँ, ये हेडेक है। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी है, और अगर नहीं आता है तो आपके लिए सच में ये सरदर्द होने वाला है। बेसिकली ये प्रिंटर बैंक पे यूज़ होते हैं, स्पेशली इसका ड्राफ्ट निकलने के लिए, फिनाकल से वगैरह हो जाए या उन लोगों का क्लोजिंग का टाइम हो जाए। तो इसका सेटअप में मुश्किल ये आता है कि नॉर्मली अगर आप इसको ड्राइवर से इंस्टॉल कर देंगे तो आपका ड्राइवर से ले तो लेगा, लेकिन जब आप पिन देंगे ना, तब इसको अगर पिन देने के टाइम का होता क्या है, आपका इसका फ्रंट डीआईआर और पेपर जब नहीं तो दूसरा एक लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। आप हज़ारों बार प्रिंट दीजिए, ये प्रिंट लेगा नहीं। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर कोई पेपर जाम भी नहीं होगा, फिर भी आपको दिखाएगा कि फ्रंट डीआईआर और पेपर जाम नहीं तो पेपर आउट। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रिंटर का सेटअप एंड रिव्यू। इसका जो रिबन है, पहले तो इसको लगाइए आराम से, लगा के ढक्कन क्लोज कीजिए, इसका मशीन को पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन करने के बाद आपको कुछ बीप साउंड्स मिलेंगे। और इसका जो ये प्लास्टिक का कवर है, इसको हटा लीजिएगा ताकि आपको ये बटन वगैरह प्रेस करने में इजी हो। तो इसे हमने ऑन किया, मशीन देखिए अभी इसका जो हेड है वो मूव हो रहा है। अभी आप कंप्यूटर में आइए। कंप्यूटर में आपको करना क्या है, इसका आईपी वगैरह चेंज करना है। तो कैसे आप देखिए, पहले तो आपको मशीन का, अगर आपने मशीन को प्रिंटर को इथरनेट में लगाया है तो आपको ऐसे करना है, इसका अपना मशीन का आईपी एड्रेस चेंज कीजिए जो आपको बेसिकली आता है, वो मुझे एलोवेट करने का डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इसका आईपी आएगा 192.168.192.169। सबनेट मास्क आएगा डिफ़ॉल्ट वाला जो 255.255.255.0, और डिफ़ॉल्ट गेटवे आप हटा दीजिए। याद रखिएगा, ये जो आईपी आपने डाला है ये अपना सीपीयू का आईपी डाला, प्रिंटर का नहीं, क्योंकि प्रिंटर में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एक प्रिंटर आईपी एड्रेस दिया हुआ है। अभी एक बार आप इस पिंग करके देखिए, प्रिंटर को पिंग करने के लिए आईपी एड्रेस हो गया 192.168.192.168। देखिए इसको पिंग हो गया। अभी अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिए, इसमें आप आईपी मारिए 192.168.192.168। यह प्रिंटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है जो पहले से सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। अभी आप प्रिंट सर्वर में जाइए, इसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र आईडी हो गया ROOT, पासवर्ड भी सेम है ROOT रूट, ओके दबाइए। अभी आप देखिए पेज खोलती, ऊपर TCP/SMNT लिखा हुआ है, आप TCP/IP में क्लिक कीजिए। ये भी डिजेबल रहेगा DHCP। आईपी एड्रेस डालिए जो ब्रांच का आईपी एड्रेस होगा, जो भी आप बैंक का आईपी एड्रेस है उसी रेंज में दीजिए कुछ भी, लेकिन ये श्योर कीजिए कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस ब्रांच का मैं आपको आईपी दे रहा हूँ, अभी देखिएगा जिस ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ। तो ब्रांच का जो आईपी है सबनेट मास्क के डिफ़ॉल्ट गेटवे, पहले आप उसको कहीं पे कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और आप दूसरे मशीन से नहीं तो इसी मशीन में वो आईपी डाल के एक बार पिंग कर लीजिएगा कि पिंग होता है कि नहीं, कि आईपी एड्रेस खाली है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना पिंग आईपी एड्रेस दे रहा हूँ ब्रांच का 172.30.36.50, क्योंकि ये मेरा सबनेट मास्क के रेंज में है। तो जो सबनेट मास्क है वो मैं दे रहा हूँ, और डिफ़ॉल्ट गेटवे देखिए, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। देखिए इसको आप सबमिट मार दीजिए, जी सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अब इसको प्रिंट सर्वर, हाँ तो दोस्तों प्रिंट सर्वर को आप सबमिट करने के बाद उसको जो लेफ्ट हैंड बगल में जो आपको लिखा दिख रहा है कि रजिस्टर्ड प्रिंट सर्वर,
उसको प्रेस कीजिए, तो ये आपको कन्फर्मेशन आएगा तो कन्फर्म कर दीजिए। उसी टाइम बाद ये हो जाने के बाद आप अपना सीपीयू का जो आईपी एड्रेस है उसको चेंज कर दीजिए, ब्रांच का जो आईपी एड्रेस होगा सबनेट मास्क के रेंज में उसी को डाल दीजिए, ब्रांच का आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, प्रीफर्ड डीएनएस और आपका अल्टरनेट डीएनएस सर्वर सब सेम दीजिएगा जो ब्रांच में होगा, क्योंकि हम लोगों का प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपना आईपी डाल दिया ब्रांच का। जी ओके ओके करके क्लोज कर दिया मैंने। अभी मैं फिर से पिंग करके देखूँगा कि जो आईपी एड्रेस मैंने प्रिंटर में डाला था वो आईपी पिंग हो रहा है कि नहीं ब्रांच के आईपी से। अब सीएमडी में जाइए, उसमें टाइप कीजिए पिंग, इस पर जो आईपी एड्रेस आपने प्रिंटर में डाला था, ये देखिए मेरा प्रिंट हो रहा है, तो मतलब ये कनेक्टेड है अभी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल देना है। चलिए अभी आप सेटिंग्स में जाइए, कंट्रोल पैनल में, इसमें जाइए आप डिवाइस एंड प्रिंटर्स, आप हमारी ऐड प्रिंटर, इसमें स्किप करके हमारी ऐड लोकल प्रिंटर और नेटवर्क, इसको आप स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी से दीजिए, और अभी ये होस्ट नेम और आईपी एड्रेस में प्रिंटर का आईपी एड्रेस डाल दीजिए। नेक्स्ट कीजिए, अभी कस्टम कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, हैव डिस्क कीजिए अगर आपका ड्राइवर है तो, ब्राउज कीजिए जहाँ पे भी आपका ड्राइवर लोकेटेड है उसको फाइंड कीजिए। ये देखिए मेरा ड्राइवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीवीएस का प्रिंटर ड्राइवर्स, और ये अपना ये हो गया ड्राइवर। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी आपको सेटअप डिफॉल्ट करना है। तो ये हम लोगों का प्रिंटर सेटअप हो गया। अभी आप प्रिंट दीजिए, पेपर लोड कीजिए, प्रिंट दीजिए, ये प्रिंटर प्रिंट ले लेगा। अभी दोस्तों इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको और एक सेटिंग चेंज करना है ताकि आपको एरर मैसेज ना आए। ये देखिए प्रिंटर का प्रॉपर्टीज में गया, एडवांस में गया, प्रिंटिंग डिफॉल्ट्स में गया, पेपर क्वालिटी, एडवांस, ये जो साइज़ है ना इसको आपको 12x15 इंच देना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 12x15 मिल जाएगा, और इसका पेपर सोर्स देना है आपको फ्रंट ट्रैक्टर, तभी जाके ये प्रिंटर प्रॉपरली काम करेगा, नहीं तो आपका ये फ्रंट दिया है और पेपर आउट बोल के दिखाता रहेगा। ठीक है, अभी इसको आप ओके करके क्लोज कर दीजिए। मेरा सब ओके है, अभी आप पिन दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम रहे तो मैं हर टाइम इसका रिप्लाई देता हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए। थैंक्स फ्रेंड देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।